हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। चांद रात मुबारक सभी को। कल ईद है तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इजी, सिंपल येट अफोर्डेबल ईद मेकअप लुक। ये मेरा ईद का आउटफिट है जो मैंने चांद रात को पहना है और मैं आज आप लोगों के साथ इस ईद सिंपल मेकअप लुक को शेयर करने वाली हूँ। सो मेकअप लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करूंगी इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़न से परचेज किया है क्योंकि अमेज़न पे चल रही है सेल। अमेज़न पे आपको काउंट डाउन डील्स मिल जाएगी 2 मई से और 4 मई से अमेज़न से समर सेल शुरू हो रही है। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप इन प्रोडक्ट्स को विशलिस्ट करके रख सकते हैं एंड जब भी आपको लगे कि आपके जो प्राइसेस है वो लो है तो आप उन्हें परचेज कर लीजिए। सो चलिए अब देख लेते हैं कि इस मेकअप लुक को मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एल्ब्स गुडनेस रोज टोनर। समर सीजन के लिए टोनर्स मस्ट है। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जैन एंड माइजा विटामिन सी फेस सीरम। आजकल मैं इस सीरम को इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए एकदम परफेक्ट है। प्राइस भी एकदम मिनिमम है और एकदम नॉन ऑयली एक लुक देता है। नेक्स्ट मैं न्यूट्रिजना ब्राइट बूस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और ये थोड़ा सा हाई एंड साइड में है बट सच में ये काफ़ी अच्छा एक इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है क्योंकि ये आपके फेस को हल्का सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। एज यू ऑल कैन सी एकदम नेचुरली ग्लो करता है स्किन। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विश केयर इन्विजिबल जेल सनस्क्रीन। दिस इज़ अ डे टाइम लुक तो सनस्क्रीन इज मस्ट और इस सनस्क्रीन को अप्लाई करके कोई वाइट या ग्रे कास्ट आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ NY बे लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड कैफे ओलेट और ये जो शेड है ये मेरे स्किन टोन में एकदम परफेक्टली जाता है बट ये इसका जो कवरेज है वो शीयर टू मीडियम कवरेज है। आप इसे बिल्ड कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी डेली बेसिस पर कुछ नेचुरल लुक अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी इसका अप्लाई करें एंड देन इसे फिंगर टिप्स इस तरह से ब्लेंड करें। अगर आप इसके कवरेज को बिल्ड करना चाहते हैं देन यूज़ स्पंज और ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट मैं इस बनाना पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड इसे मैं इतने ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ कि इसका जो लेबलिंग एंड ऑल सब कुछ मिट चुका है तो मैंने इसीलिए उसका जो ढक्कन था वहाँ पर मैंने शो किया कि इट्स फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। ये काफ़ी अच्छा एक पाउडर है स्पेशली फॉर समर सीजन। मैं इसे थोड़ा सा बेक कर रही हूँ क्योंकि समर सीजन में हम लोग ज़्यादा स्वेट करते हैं तो हल्का सा अगर आप बेकिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम आप नहीं फेस करोगे। तो इस तरह से मैं हल्का सा फेस को डायमेंशन भी देने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लू हेवन आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल। ये मेरा फेवरेट ब्राउ पेंसिल है एंड आई एम इन द शेड ग्रे। इसमें एक और शेड दैट इज़ ब्राउन शेड भी अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं रेवोल्यूशन का जो रीलोडेड पैलेट है न्यूट्रल्स पैलेट, उस पैलेट को मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें से जो ट्रांजिशन शेड है उसे मैं सिर्फ अपने आउटर लिड पर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसे ही मैं ब्लेंड करते हुए अपने इनर कॉर्नर पर लेकर आ रही हूँ। इस तरह से आपको डायमेंशन देना है। नेक्स्ट मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया, उसको भी मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई कर रही हूँ एंड हल्का सा ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ मैं उसे लेकर आ रही हूँ। लोअर लैशेस में भी आपको अप्लाई करना है। NY बे का जो काजल है उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये एकदम जेट ब्लैक कलर में है। वाटर लाइन को लाइन करने के बाद मैं अपने अपर लैश लाइन पर थोड़ा सा इसे हल्का सा लगाकर स्मज कर रही हूँ इस एंगुलर ब्रश से। इस तरह से स्मज करने से एक हल्का सा काजल इफेक्ट भी मिलता है। लोअर लैश लाइन को भी आपको स्मज करना है लेकिन सिर्फ आउटर कॉर्नर पर। और इसको मैंने इस तरह से एक आईलाइनर लुक देने की कोशिश किया है जो कि हार्श भी नहीं है येट एक स्मज्ड लुक भी दे रहा है। तो इस तरीके का काजल लुक आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड चिकनकारी कुर्ती ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ही भी ये अच्छा जाता है। मेकअप रिवोल्यूशन का पैलेट लिया है, उससे जो कॉन्टोरिंग शेड था जो डार्क ब्राउन शेड था वो मेरा कॉन्टोरिंग शेड है, उससे हल्का सा लेकर मैं सिर्फ अपने नोज़ को और अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर कर रही हूँ। चीक मैं नहीं कॉन्टोर करूँगी क्योंकि मैं शूट नहीं करूँगी, दिस इज़ जस्ट फॉर ईद तो इसीलिए मैं ज़्यादा चीक को कॉन्टोर नहीं करूँगी, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मस्कारा। दिस इज़ एन अमेजिंग मस्कारा फ्रॉम ब्लू हेवन विच इज़ जस्ट फॉर 120 रुपीज़ फ्रॉम अमेज़न। आपको ये मिल जाएगा इतने डिस्काउंटेड प्राइस में और ये एकदम लैशेस को एक वॉल्यूम भी ऐड करता है, एट द सेम टाइम लिफ्ट भी ऐड करता है।
नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है NY बेस स्काईलाइन ब्लश एंड इसका जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हाई है, तो इसीलिए मैं इसे अपने बैक ऑफ हैंड पर अप्लाई करती हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ एंड फिर जो भी प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर रहता है ब्रश में उसे मैं अप्लाई करती हूँ सिर्फ अपने एप्पल्स ऑफ माई चीक्स पर और थोड़ा सा अपने चीक बोन पर मैं उसे ब्लेंड करते हुए लेकर जाती हूँ ताकि वो जो फेस पर लिफ्ट है ना वो लिफ्ट हमें मिले। नेक्स्ट एक्सेस जो लूज पाउडर था उसे मैं एक लूज पाउडर ब्रश से रिमूव कर रही हूँ एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज दिस NY बे लिपस्टिक जो कि इम्पेकेबल इजाबेला शेड नंबर 15 है विच इज़ एन अमेजिंग न्यूड शेड। ये शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड इस शेड को आप एज अ ब्लश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट लुक्स अमेजिंग इफ़ यू अप्लाई दिस एज योर ब्लश। नेक्स्ट मैं एक सेटिंग्स पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, इसका प्राइस थोड़ा सा 204 है बट या इट इज़ वेरी गुड। मैंने बिंदी अप्लाई किया है एंड इस ऑक्सीडाइज झुमके के साथ I have completed this look. इंडियन लुक्स आर इनकम्प्लीट विदाउट अ बिंदी और मैं तो बंगाली हूँ, मुझे बिंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इस लुक को कम्प्लीट किया है इस बिंदी को पहनकर और सिल्वर ऑक्सीडाइज झुमकी। मुझे झुमकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो भी लखनऊवी चिकनकारी के साथ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। सो इस लुक को अगर आप इस तरह से भी कैरी करना चाहते हैं तो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके साथ एक जीन्स पहनकर थोड़ा सा बोहो लुक भी चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। मेक श्योर वीडियो पसंद आए वीडियो को। सो आज का मेरा ये ईद सिंपल मेकअप लुक आप सबको कैसा लगा जो कि बिल्कुल समर फ्रेंडली है, तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।